स्प्रेडिंग आरोग्य चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको चांगेरी वनस्पति के बारे में जानकारी देना रहा हूँ, तो चलें आ जाओ। ये हमारे गार्डन में चांगेरी के पौधे आ गए। पहले हम चांगेरी का परिचय करते हैं। इसका कुल होता है ऑक्सीलेडेसी, बॉटनिकल नाम है ऑक्सियलिस कॉर्निकुलेटा, और इसको भारत के विविध प्रांत में विविध नाम से पहचाना जाता है। संस्कृत में चांगिरे, अम्लपत्रिका, हिंदी में तीन पतिया, बंगाली में अमरूल, पंजाबी में खट्टी बूटी खट्ट मीठा, मराठी में अम्बूटी, तमिल में पुलियारे, तेलुगु में पुलिचित्ता और कन्नड़ में पुलमरी परचू, अंग्रेजी में इसको इंडियन सॉरेल प्लांट बोलते हैं, यूनानी में अम्बूटा भाजी बोलते हैं, सिद्ध में पुलियारी बोलते हैं, पंजाबी में खटकल बोलते हैं, नेपाली में इसे चरिया मिलो बोलते हैं। और भाई साहब, आपके भाग में इसको क्या क्या बोलते हैं मेरे कमेंट करके बताना। चांगेरी वनस्पति का स्वरूप, यह छोटा क्षुद्र वर्षायु या बहुवर्षायु होता है। उत्थित या प्रसरणशील ढाई या 10 इंच लंबा होता है। पत्रवृत्त लंबा होता है। पत्र थोड़े पानीवत त्रिपत्रकीय यानी हार्ट शेप्ड होते हैं। पत्रक अभिहृदय आकृति यानी हार्ट शेप्ड होते हैं। पुष्प अक्षीय प्राय मूर्धज पीतवर्ण होते हैं। फल लंबगोल होते हैं। उत्पत्ति स्थान, यह भारत के उष्ण प्रदेश में सर्वत्र तथा हिमालय में 7000 फीट की ऊंचाई तक होता है। रासायनिक संगठन यानी इसमें कौन सा केमिकल मौजूद रहता है, इसमें पोटेशियम तथा ऑक्सैलिक एसिड होता है। आयुर्वेद के भाव प्रकाश में इसका वर्णन आया है। चांगेरी दीपनी रुच्चा रुक्षोष्ण कफवातानुत पित्तलामला ग्रहण्यार्श कुष्ठातिसार नाशिनी। चांगेरी के गुण, लघु वृक्ष होते हैं। रस अम्ल कषाय होता है। विपाक अम्ल और उष्ण वीर्य रहती है। अभी औषधीय प्रयोग यानी औषधीय घरेलू उपचार में क्या क्या यूज हो सकता है इसका, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला उपयोग है इसका सिर दर्द में। इसके रस में प्याज का रस संभाग मिलाकर सिर पर लेप करने से पित्तज प्रकार का शीर्षूल दूर होता है। मसूड़ों के रोग में उपयोग, इसके पत्तों को पत्तों के रस से कुल्ले करने पर मसूड़ों के असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। मुख की दुर्गंधि के उपयोग, इसके 2-3 पत्ते को मुंह में पान की तरह रखने से मुख की दुर्गंध मिट जाती है। इसको दंत मंजन जैसा ही यूज़ कर सकते हैं हम। सूखे हुए पत्तों से दांतों का मंजन करना चाहिए, इससे आपके दंत चमक जाएंगे। संग्रहिणी यानी टॉपिकल स्प्रू होता है, इसमें यह बहुत लाभकारी है। संग्रहिणी में इसके पंचांग का स्वरस एवं इसमें पीपल मिलाकर तथा रस से 4 गुनी दही मिलाकर घी पका लेना चाहिए। यह घी संग्रहिणी के लिए लाभकारी है। उदरशूल यानी पेट दर्द में, इसके पत्तों के 40 या 60 ग्राम क्वाथ में भुनी हुई हींग और मुरब्बा मिलाकर प्रातः सायं मिलाने से उदरशूल मिटता है। अंतर्दाह में, इसके 5 या 7 पत्तों को ठंडाई के समान घोटकर उसमें मिश्री मिलाकर प्रातः सायं पीने से अंतर्दाह मिटती है। मंदांगनी जिन्हें भूख नहीं लगती, इनके लिए बहुत अच्छा है। अग्निमान में इस बूटी के 8-10 ताजे पत्तों को कढ़ी बनाकर देने से पाचन शक्ति दुरुस्त होकर भूख बढ़ती है। इस अर्श में यानी बवासीर में, पाइल्स फिशुला फिशर में बहुत लाभकारी है। इसका एक स्पेशल योग आयुर्वेद ने बताया है चांगेरी घृत। तो घरेलू उपाय, एक नंबर, अर्श में इसके पंचांग को घी में सेक कर शाक बनाकर दही के साथ सेवन से लाभ होता है। अतिसार यानी लूज मोशन में, इसके 2 या 5 ग्राम सोरस दिन में 2 बार पीने पर पेचिस और अतिसार में बहुत लाभदायक है। यह सौंठ और इंद्रजों के संभाग चूर्ण को चावलों के पानी के साथ पीने को दो। जब चूर्ण पच जाए तो छाछ, चांगेरी, दाडिम का रस डालकर पकाई गई यवागु अतिसार में खाने को दे। रक्तस्राव यानी हेमोरेज और ब्लीडिंग, कौन से भी ब्लीडिंग, इसके पंचांग के स्वरस की 5-10 मिलीमीटर मात्रा में दिन में 2 बार प्रयोग करने से पतली धमनियों का संकोच होकर रक्तस्राव मिटता है। दाह में बहुत लाभकारी, चांगेरी के 10-15 पत्तों को पानी के साथ पीसकर इनकी पुलटिस बनाकर सूजन पर बांधने से सूजन की दाह मिटती है, यानी यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एडिमा कम करता है। बच्चों के फोड़े फुंसियों पर इसके पत्तों का लेप लगाने से बहुत लाभदायक होता है। चौथिया ज्वर, चौथिया ज्वर में इसके लगभग 1000 पत्तों को अच्छी तरह पीसकर 16 गुने जल में उबालने चाहिए। जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें इतना घी डाले कि रबड़ी जैसा हो जाए। इसका 5-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से ज्वर के 3 दिन में उतर जाता है, यानी वो फीवर कम से कम 3 दिन में उतर जाता है। ये धतूरे के नशे में एंटीडोट जैसा काम करता है।
इसके ताज़ा पत्तों को 20 या 40 मिनट में रस पिलाने से धतूरे का नशा झट से उतर जाता है। मदातेय में इसका स्वरस प्रयुक्त होता है। मदातेय यानी ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने से नशा ज़्यादा चढ़ गई तो इसके 5-10 मिली स्वरस को एक गिलास पानी में डालने से और पीने को देने से अल्कोहल की नशा झट से उतर जाती है। जिन लोगों को वीकनेस है उन लोगों में इसकी पत्तियों का नियमित रूप से सेवन करने से बहुत ताजगी भरती है। जिन लोगों में एनोरोक्सिया जैसी यानी भूख नहीं लगती है उनके लिए चांगेरी के पत्तों की कढ़ी बनाकर खाने से पाचन संबंधी समस्या दूर होती है और भूख खुलकर लगने लगती है। बच्चों को भूख कम लगे तो काम आएगी चांगेरी की चटनी। अगर आपके बच्चों को भूख कम लगती है या वो घर का खाना खाने में आनाकानी करते हैं तो चांगेरी की पत्तियाँ आपके बहुत काम आ सकती है। इस समस्या के लिए चांगेरी की पत्तियों की चटनी बनाकर उन बच्चों को खिलाए। चटनी बनाने के लिए आप थोड़ी सी चांगेरी की पत्तियाँ और थोड़ी सी पुदीना के पत्तियाँ ले, इन्हें धोकर रख ले। अब इन पत्तियों को अदरक के एक छोटे टुकड़े और 2 कली लहसुन के साथ पीस ले और चटनी जैसा बना ले। इस चटनी में काला नमक और भुना जीरा डालकर बच्चों को दे। चांगेरी की पत्तियां का स्वाद खट्टा होने के कारण यह चटनी आपको स्वादिष्ट लगेगी, यानी दीपन पाचनीय है। पेट दर्द में चांगेरी की पत्तियों का इस्तेमाल। चांगेरी की पत्तियों में दर्द निवारक गुण होते हैं, इसलिए पेट दर्द और अन्य शारीरिक दर्द की समस्या में भी चांगेरी की पत्तियों से तुरंत लाभ मिलता है। इसके लिए आप चांगेरी के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसका काढ़ा बनाने के लिए आप चांगेरी के पत्तियों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें और 40 मिलीग्राम काढ़े में 1 ग्राम भुनी हुई हींग मिलाएं और सुबह शाम पिए। इस काढ़े को पीने से कब्ज, बदहजमी, गैस और पेट दर्द की समस्या से तुरंत छुटकारा मिलता है। चांगेरी के पत्तियों में पोटेशियम, कैल्शियम और केराटिन भरपूर पाया जाता है। इसके अलावा इसके पत्ते में ऑक्सलेट और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। इस पौधे में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा होती है जो कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग करके इसकी कैल्शियम डिफिशियंसी करता है। इसलिए आप कृपा करके इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन मत करियो। विशेषतर जो घटियाबाई के, रूमेटिज्म के, जोड़ों के दर्द वाले, गाउट, किडनी स्टोन्स वाले और हाइपर एसिडिटी वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों ने इसकी सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। भाई लोग, आज मैंने आपको चांगेरी के बारे में, उसका परिचय और औषधि गुणधर्म के बारे में सविस्तर बताया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मेरे कमेंट करके जरूर बताना और आपके भाग में, आपके ज़िले में इस पौधे को क्या नाम से जानते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना और एक लाइक करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपसे चूक ना पाए। थैंक यू।